हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटीरिया। एज यू नो दैट कॉम्पटीरिया प्रोवाइड्स फ्री एजुकेशन इन यूट्यूब प्लेटफॉर्म विच इज़ वेरी वर्सटाइल प्रोग्राम एंड वेरी प्रॉफिटेबल फॉर ऑल एजुकेशनल एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपेयर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक एग्जामिनेशंस important lectures. Now you know that nowadays LLB second semester, second year, third semester, MG KVP and its related postgraduate colleges examinations will be held on 31st March 2022. For this, Comptiria YouTube channel decide to give some important law related lectures for MGKVP and its affiliated colleges LLB third semester students. If you not subscribed Comptiria, then you will subscribe Comptiria YouTube channel and press the bell icon. If you press the bell icon, then you get a short notification when I uploaded the important lectures. Now, before wasting our time, we will start our new lecture, Paper 1 Jurisprudence, LLB third semester, Schools of Jurisprudence, Vidhi Shastra ki Vichardharaye. Prakritik Vidhi ka kya arth hai? Prakritik Vidhi se Moolbhut Siddhanton ki Vyakhya kijiye. Aur Bharatiya Samvidhan ke Nirman mein प्राकृतिक विधि का क्या योगदान रहा है। यूनिट सेकंड का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय नेचुरल लॉ, एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ व्हाट इट मीन्स, प्राकृतिक नियम की धारणा का उदय प्राचीन यूनान से हुआ है, अरस्तु के बाद यूनान में। स्टोइक फिलॉसफी काफ़ी जोरों से जानी जाने लगी और इस थ्योरी के जो फॉलोअर थे उन्होंने विश्व में कुछ ऐसे नियम बताए, प्रकृति, जीव, मनुष्य सभी के प्रति सम्मान, ये समान रूप से लागू होते हैं। इस सर्वव्यापी और सर्वकालिक नियमों को प्राकृतिक विधि की संज्ञा दी गई। प्राकृतिक विधि के संबंध में एक विचारधारा कि जिस प्रकार शासक किसी निश्चित समुदाय पर शासन करता है और अपनी व्यवहारिक विवेक बुद्धि के कुछ आदेशों को निर्मित करता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर समस्त ब्रह्मांड पर शासन करता है और ईश्वरीय बुद्धि से उत्पन्न कुछ प्राकृतिक नियम होते हैं, सभी प्राणियों के प्रति समान रूप से लागू होते हैं। किसी शासक द्वारा निर्मित आदेशों को वास्तविक या सूत्रबद्ध विधि कहा जाता है, लेकिन ईश्वर के नियमों को दैवीय या प्राकृतिक विधि की संज्ञा दी गई है। विधि के विशेषज्ञों ने प्राकृतिक नियमों को विधि के आदर्श मानते हुए ऐसा कहा है कि मानव द्वारा निर्मित ऐसे सभी सूत्रबद्ध कानून जो कि वास्तविक विधि या राजकीय विधि, ऐसे कानून सूत्रबद्ध कानून में जो आते हैं जो कि प्राकृतिक विधि के विरुद्ध हैं, यह अनुचित होंगे। मतलब है कि प्राकृतिक विधि ही सामान्य विधि को मान्यता या अमान्यता प्रदान करती है, इसको ऑर्डिनरी लॉ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसका जस्टिफिकेशन करती है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि का क्षेत्र अधिक व्यापक होने लगा है और प्राकृतिक विधि सिद्धांत संबंधी प्राचीन धारणा, सिद्धांत एक ऐसा आदर्श है जिसकी प्रस्थापना ईश्वर से हुई है, प्रकृति से हुई है, क्योंकि समय के साथ धूमिल पड़ने लगी है। अब इस थ्योरी को नैतिकता से संबद्ध कर दिया गया है, मतलब कि
अब प्राकृतिक विधि का संबंध मनुष्य में पाई जाने वाली मूल प्रवृत्तियों से स्थापित किया गया है। विधि विशेषज्ञों की दृष्टि में अगर देखें तो प्राकृतिक विधि के आधार स्रोत भिन्न भिन्न होने के कारण इन्होंने इसे अनेकों नाम दिए हैं। प्राकृतिक विधि को ईश्वर प्रदत्त विधि दैव विधि की संज्ञा दी गई है और सार्वलौकिक स्वरूप के कारण इसको सार्वलौकिक विधि भी कहा जाता है। बहुत से विधि शास्त्रियों ने मॉर्टल लॉ बताया है, नैतिक विधि और प्राकृतिक विधि, दोनों ही कहना सही होगा कि मानव की नैसर्गिक तर्क शक्ति की उपज है। जो प्राकृतिक विधि है वो मानव की नैसर्गिक तर्क शक्ति की उपज है। थ्योरीज ऑफ नेचुरल लॉ, प्राकृतिक विधि के सिद्धांत क्या है, चार वर्ग में बांट सकते हैं, प्राचीन सिद्धांत, मध्यकालीन सिद्धांत, पुनर्जागरण काल के सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत। प्राकृतिक विधि सिद्धांत का दर्शन सबसे पहले यूनानी दार्शनिकों की विचारधारा में मिलता है। हेरोक्लिटस कहते हैं कि प्रकृति वस्तुओं का बिखरा हुआ ढेर मात्र नहीं है अपितु प्रकृति की वस्तुओं में पारस्परिक संबंध है। प्रकृति में एक निश्चित व्यवस्था है, उसी प्रकार मनुष्यों को भी प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके मानव समाज में व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। स्टोइक कहते हैं और स्टोइक के अनुगामियों में सबसे अग्रगण्य है सुकरात। न्याय के दो प्रकार बताए, प्राकृतिक न्याय और विधिक न्याय। प्राकृतिक न्याय सभी स्थानों में एक समान होता है, लेकिन विधिक न्याय मूलतः हमेशा एक ही प्रकार के होते हुए भी समय और स्थान के साथ साथ उसका स्वरूप बदलता रहता है। रोमन के विधि शास्त्रियों ने बाह्य निरीक्षण के आधार पर जिन विधिक सिद्धांतों को प्रतिपादित किया वे प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों के कुछ हिस्से से भिन्न थे। दास प्रथा का समर्थन, रोमन विधि शास्त्रियों ने ऐसे विधियों को प्राकृतिक विधि न कहकर सार्वजनिक विधि की संज्ञा दी। ये नियम सार्वभौमिक थे, सभी स्थानों पर समय में लागू किए जा सकते थे और डार्क एज के विचारकों ने प्रकृति के अलावा ईश्वर को प्राकृतिक विधि का मूल स्रोत माना। मध्यकाल के कैथोलिक दार्शनिक धर्माचार्यों ने प्राकृतिक विधि का एक नवीन सिद्धांत प्रस्तुत किया। सेंट थॉमस एक्विनॉस प्राकृतिक विधि को देवी विधि से पृथक करने का प्रयास किए। उनका विचार कि निर्विवाद दैव विधि सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन संपूर्ण दैव विधि का ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर है। मनुष्य दैव विधि के केवल कुछ भाग को जान सकता है, जिसे हम प्राकृतिक विधि कह सकते हैं। मानव द्वारा निर्मित विधि का एक अंश है। एक्विनॉक्स ने विधि के चार प्रकार बताए हैं, दैवी विधि, प्राकृतिक विधि, मानवीय विधि और धार्मिक ग्रंथों में लिखित विधियां, ला डिवाइन। सेंट थॉमस एक्विनॉस प्राकृतिक विधि के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए चर्च और सम्राट, लौकिक और पारलौकिक और धनवान और धनहीन के बीच जो समन्वय स्थापित किया वह वास्तव में सराहनीय है। रेनेसेंस थ्योरीज, पुनर्जागरण काल के सिद्धांत। ऐसे काल में ईश्वरीय विधि की पारलौकिक शक्ति के स्थान पर मनुष्य की तार्किक बुद्धि को प्राकृतिक विधि का आधार माना गया। प्राकृतिक विधि की इस नवीन व्याख्या का श्रेय प्रसिद्ध डच विधिवेत्ता ह्यूगो ग्रेशियस को जाता है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रणेता माना जाता है। ग्रेशियस ने सामाजिक संविदा के सिद्धांत को एक ऐतिहासिक तथ्य मानते हुए इसको दो उद्देश्य किया। पहला, प्रजा प्रत्येक स्थिति में सरकार के आदेशों को माने। दूसरा, राष्ट्रों के बीच परस्पर संबंध वैज्ञानिक नियमों पर आधारित हो।
लेकिन ग्रेसियस का मत था कि शासक के लिए प्राकृतिक विधि का अनुसरण करना अनिवार्य है। थॉमस हॉब्स ने सामाजिक संविधा के सिद्धांत को राजनीतिक विचारधारा का आधार बताया। हॉब्स ने आत्मरक्षा के अधिकार को प्राकृतिक विधि का मूल सिद्धांत माना है। प्राकृतिक विधि के बजाय नागरिक विधि को ही उच्चतर माना जिसका अनुसरण कर सकते हैं। मानवीय विधि को राज्य द्वारा निर्मित माना है और राज्य के पीछे सारी शक्तियां छिपी रहती हैं, इसलिए राज्य द्वारा निर्मित माना है। शासक की संप्रभु शक्ति को स्वीकार करते हुए चर्च को उसके अधीनस्थ माना गया। जॉन रूसो लोकतंत्र का समर्थक होने के कारण व्यक्तिगत निरंकुश शासन का विरोध करने के लिए सामाजिक संविधा के सिद्धांत का सहारा लिया। उनके विचार से, किनके विचार से? जॉन रूसो के, कि राज्य शक्ति जनता की सामान्य इच्छा पर आधारित होनी चाहिए, जनरल विल पर। स्पष्ट मतलब समझिए, राज्य प्रभुसत्ता सामूहिक रूप से जनता में निहित होती है। रेनेसेंस थ्योरीज में बताया गया है कि राज्य प्रभुसत्ता सामूहिक रूप से जनता में ही निहित होती है। नाउ मॉडर्न थ्योरीज, प्राकृतिक विधि सिद्धांतों के प्रतिकूल थी। राष्ट्रवाद, विज्ञानवाद के कारण पाश्चात्य जगत में विधि दर्शन की प्रगति में गतिरोध उत्पन्न हो गया और लोगों में भ्रम फैल गया कि विज्ञान की सहायता से आर्थिक प्रगति करने में उनका वास्तविक सुख है। लेकिन ला के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए जाने के कारण औपचारिकताओं से युक्त अनम्य विशेषणात्मक विधि शास्त्र का उदय हो गया। ये 19वीं शताब्दी की बात थी, लेकिन अब 20वीं शताब्दी में से प्राकृतिक विधि सिद्धांतों के पुनरुत्थान का मतलब रिवाइवल, 20वीं शताब्दी जैसे प्राकृतिक विधि सिद्धांतों के पुनरुत्थान काल कहा गया है 20वीं शताब्दी को, रिवाइवल। इस सदी में प्रथम द्वितीय विश्व युद्धों ने पाश्चात्य देशों की आंखें खोल दी। प्राकृतिक विधि को अब समय और स्थान के अनुसार परिवर्तित माने जाने लगा। वाय और सापेक्ष मानी गई प्राकृतिक विधि की इस नई और परिवर्तित संकल्पना को नेचुरल लॉ विथ वेरिएबल कंटेंट कहा गया है। परिवर्तनीय तत्वयुक्त प्राकृतिक विधि, नेचुरल लॉ विथ वेरिएबल कंटेंट्स। डेल वेकिहो ने कहा है कि प्राकृतिक विधि कानून के विकास से संबंधित एक ऐसा सिद्धांत है जो मानव जाति को अधिक स्वायत्तता की ओर, स्वायत्तता का मतलब ऑटोनोमस, विकास उन्मुख करता है। और स्टेमलर ने कहा है विधि निश्चित रूप से मानव की संकल्प शक्ति है। इस विधि का संबंध बाह्य भौतिक जगत के क्रियाकलापों से नहीं है, जबकि इसका कार्य साध्य और साधनों को एक दूसरे से संबंधित करना है। प्राकृतिक विधि के विषय में विधिवेत्ताओं की धारणाएं समय के साथ परिवर्तित होती रही है। इसका प्रयोग धर्म तंत्र के समर्थन के लिए किया गया, निरंकुश शासन को समर्थन देने के लिए किया गया। यूरोप की अनेक राजनीतिक क्रांतियां प्राकृतिक विधि के आधार पर हुई। व्यक्तिवाद, प्रत्यक्षवाद की संकल्पना को प्राकृतिक विधि के आधार पर विकसित किया गया। इन सिद्धांतों की झलक सभी न्याय प्रणालियों में देखने को मिल जाती है। भारत में अनेक विधि सिद्धांतों और संकल्पनाओं को इंग्लैंड से लिया गया है। अनेक प्राकृतिक विधि पर आधारित हैं, जैसे संविदा कल्प, अपकृत्य में युक्ति युक्तता, न्याय और साम्या। ये सब किस पर निर्भर करते हैं? सारी संकल्पनाएं प्राकृतिक विधि पर आधारित हैं। भारतीय संविधान में प्राकृतिक विधि के अनेक सिद्धांत समाविष्ट हैं। बुनियादी स्वतंत्रताओं यानी कि मूल अधिकारों की गारंटी करता है। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को प्रशासनिक और न्यायिक कल्प अभिकरणों पर नियंत्रण रखने को सशक्त करता है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 331 में समाविष्ट है। ऐसा है कि किसी असैनिक सेवा के सदस्य को जब तक पदच्युत नहीं किया जाएगा तब तक कि उसके बारे में प्रस्तावित की जाने वाली कार्रवाई के खिलाफ
कारण दिखाने का युक्त अवसर उसे न दे दिया गया हो। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 331 में समाविष्ट है। उसके अनुसार किसी असैनिक सेवा के सदस्य को तब तक पदच्युत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके बारे में प्रस्तावित की जाने वाली कार्रवाई के खिलाफ कारण दिखाने का युक्त अवसर उसे न दे दिया गया हो। उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1999 6 SCC जैसे वादों के निर्णय से प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्रमशः न्यायिक कार्रवाइयों का एक मूलभूत अंग बन गया है। आरएल शर्मा बनाम मैनेजिंग कमेटी डॉक्टर हरिराम एचएस स्कूल AIR 1993 SC में सुप्रीम कोर्ट में क्या है, उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त किया कि प्रशासनिक विधि में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत आधारभूत और मूलभूत संकल्पनाएं हैं और अब यह विधि निश्चित है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत विधिक और न्यायिक प्रक्रियाओं के अंग हैं। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने क्या मत व्यक्त किया है कि प्रशासनिक विधि में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत आधारभूत और मूलभूत संकल्पनाएं हैं और अब यह विधि निश्चित है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत विधिक और न्यायिक प्रक्रियाओं के अंग हैं, यानी अंग मान लिया गया है इसमें। आज के बहुत ही रोमांचक LLB के लेक्चर में हमने पढ़ा यूनिट सेकंड विधि शास्त्र की विचारधाराएं, स्कूल्स ऑफ ज्यूरिपिडेंस, जिसमें हमने क्वेश्चन डिस्क्राइब किया है व्हाट इज मीन बाय नेचुरल लॉ, एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ नेचुरल लॉ। बने रहें, जमे रहें हमारे YouTube चैनल कॉमटेरिया पर। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण लॉ के लेक्चर्स बराबर कॉमटेरिया सभी छात्रों को समर्पित करता रहेगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो भारी मात्रा में शेयर करें, चैनल अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को भारी मात्रा में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अगले एक रोमांचक लेक्चर के साथ फिर आपके समक्ष कॉमटेरिया प्रस्तुत होगा। जय मां गंगा, हर हर महादेव।